हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 27 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 29 अक्टूबर 2021। आज की वर्कशीट में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मेंसुरेशन। चलिए देखते हैं क्या है ये मेंसुरेशन। देखो यहाँ लिखा है, वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स अराउंड अस। ऑल थिंग्स हैव सम शेप, सम ऑफ विच आर कॉम्प्लेक्स इन शेप एंड सम ऑफ देम आर सिंपल। सम ऑफ विच आर कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल फिगर बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज एंड शेप हैज बीन डिफाइंड बाय अस, दैट इज पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दीज शेप्स नोन टू अस। टूडे वी विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज ज्योमेट्रिकल शेप्स। कह रहे हैं हमने अपने आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें देखी हैं, कुछ चीजों की शेप जो है वो सेम होती है, कुछ की डिफरेंट होती है ना, कुछ की कॉम्प्लेक्स होती है, कुछ की सिंपल होती है। कुछ की जो शेप्स हैं उनको हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स में कह सकते हैं, जैसे कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी चीजें। तो हम क्या करते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनके पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस, एरिया, वॉल्यूम, इन सब से करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में ही जानने वाले हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, शेप दे रखे हैं, प्रॉपर्टीज दे रखे हैं, पेरीमीटर बता रखा है उनका क्या होता है और एरिया बता रखा है। सबसे पहली बात अगर हम देखें, यहाँ सबसे पहला हमारे को ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। तो अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट, ये एक वो फिगर होती है जो तीन लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है। और अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं तो वो होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो इसके साइड्स कौन कौन सी है, ए बी सी, तो उन सबका सम हो जाएगा। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस ये नीचे वाला होता है, बी जिसका नाम है, और एच ये वाला होता है, ठीक है। ये आपको पेरीमीटर, एरिया सब याद करना है इसके, कि ट्राइंगल के क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, ठीक है ना। चलिए सेकेंड करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर। तो फोर साइडेड फिगर है, अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ फोर इक्वल साइड, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, साथ साथ इसका हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। बात करें अगर हम इसकी पेरीमीटर की, तो वो होता है फोर मल्टीप्लाई में साइड। अब आप साइड यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, इन्होंने ए लिया है तो इन्होंने फोर ए लिख दिया है, ठीक है। और अगर बात करें इसके एरिया की, तो वो होता है साइड इंटू साइड, इसका मतलब ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक फोर साइडेड फिगर होती है, लेकिन इसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है, और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, जैसे स्क्वायर का होता है, ठीक है ना। वही चीज लिखी है, अ क्लोज फिगर मेड ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स एंड एवरी एंगल 90 डिग्री। पेरीमीटर की बात करें तो टू मल्टीप्लाई एल प्लस बी होता है, एल का मतलब लेंथ होता है और बी का मतलब ब्रेथ होता है, ठीक है। एरिया की बात करें तो एल इंटू में बी होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ठीक है। फॉर्मुलेज आपको सारे अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, तो ये आपके पास एक फोर साइडेड फिगर होती है, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है, इसकी आपकी अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल और पैरेलल होती है, ठीक है। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो सेम वही होता है जो रेक्टेंगल का होता है, टू मल्टीप्लाई एल प्लस बी, मतलब कि ए प्लस बी, यहाँ पर ए और बी दे दिया है। और अगर इसके एरिया की बात करें तो वो होता है बी इंटू में एच, मतलब बेस जो ये नीचे वाला है, और हाइट जो ये है, बेस इंटू में हाइट, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर रॉम्बस की। तो रोम्बस होता है, ये भी आपके पास एक फोर साइडेड फिगर होती है, और इसकी चारों ही साइड्स जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो स्क्वायर वाला ही पेरीमीटर होता है, फोर मल्टीप्लाई साइड, लेकिन जो इसका एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू में डी वन इंटू में डी टू। अब ये डी वन डी टू क्या है, ये इसके डायगोनल्स है, अंदर जो बने हुए होते हैं, ये डी वन डी टू, इनकी लेंथ है ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रेपीजियम की। ये भी आपके पास एक फोर साइडेड फिगर होती है, लेकिन इसकी ना एक ही अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है, दूसरी वाली नहीं होती, बट पैरेललोग्राम में दोनों ही होती है, ठीक है। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जितनी भी साइड्स हैं चारों साइड की मेजरमेंट्स जो भी होगी उनको प्लस कर दो तो पेरीमीटर आ जाता है। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो वो होता है हमारे पास हाफ इंटू में एच, एच का मतलब होता है हाइट, अब ब्रैकेट में होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो दो ये पैरेलल साइड्स है ना इनका सम, तो ए प्लस बी हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल की। अभी तक हम क्वाड्रिलेटरल्स के पार्ट कर रहे थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रोम्बस, अब एक क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं सिर्फ। तो ये भी एक क्लोज फिगर है, फोर साइडेड फिगर है। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब उन साइड की जो जो मेजरमेंट्स है आप उन्हें प्लस करके लिख दो, ठीक है। अब अगर हम इसके एरिया की बात करें तो वो होता है हाफ इंटू में डी वन, डायगोनल कोई सा भी एक लेना है, ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा एच वन प्लस एच टू, ये रही डायगोनल्स के ऊपर जो ये हाइट परपेंडिकुलर्स डले हुए हैं ये लेने हैं, ठीक है। अगर आप डायगोनल यहाँ वाला लोगे तो परपेंडिकुलर्स इधर वाले लोगे, क्लियर। लास्ट एक रह गया यहाँ पर सर्कल। सर्कल क्या होता है, एक ये आपके पास पॉलीगन नहीं होता क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ होता। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से जो सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जो सेम डिस्टेंस पे होते हैं वो।
अगर हम इसके सर्कमफेरेंस की बात करें, मतलब कि सर्कमफेरेंस मतलब होता है पेरीमीटर, बट सर्कल के केस में हम पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। ये बाहर बाहर की बात करें तो ये क्या होता है, इसका 2πr होता है। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो वो होता है πr², पाई की वैल्यू 22/7 होता है, और आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रेडियस होता है, रेडियस, ये क्लियर। तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट, कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको अभी मेंसुरेशन के टॉपिक की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आपको ये सारे पेरीमीटर और एरिया अच्छे से याद होने चाहिए हर एक फिगर के, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हो पूरी टेबल को याद करके, ताकि आपको याद भी हो जाए और आपकी एक बार रिवाइज हो जाए जब आप खुद से बनाओगे इसको, तो ठीक है ना। चलिए वर्कशीट कंप्लीट हो गई 27, वर्कशीट नंबर 28 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।